मेरी फ्रेंड समोसा लेके आई, मैं खा रही हूँ। ये सब लोग खा के आ गए, मेरे लिए लेके आए, मैं नहीं गई थी। आज आप हम लोग की तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर है, इसका तो मुंह ही नहीं है। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर का, लेकिन एंजॉय तो एंजॉय जैसा नहीं हुआ है। सोचे थे बहुत कुछ है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम का वजह से नहीं हुआ है, हो नहीं पाया। ये जो फ्रेंड है ये हमेशा के लिए हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं, ये तो दिल पे हमेशा रहेगी, लेकिन देखने के लिए मेरे को तो नहीं मिलेगी। इसीलिए घूम के आई हम लोग हैं यहाँ पे ना, शेयर कैसे करते हैं यार का मतलब दिखाए उसमें नहीं आ रहा है, खींच ला के मैं दिखा नहीं आ रहा थोड़ा सा मैं भी खिला रहा, तुम भी खाओ थोड़ा सा, तुम मेरे को टूटता है मैं खा लूंगी ना वो मुख पता है क्या बोल रहे थे इनके हस्बैंड, गिलास भी चलो बड़ा बड़ा बॉटल ली थी ना, तो उसमें आधा कम था, तो बोलेंगे आधा किलो के लीटर लेके चले, इसके बाद जो बचा है भाग्य के लिए चले, इसलिए भैया के लिए नहीं है पाए, बोलो समोसा एक ही बचा नहीं खाते अभी वीडियो से हम फायदा नहीं है, तू ही दिखा दे बहुत अच्छा सा ना, इसलिए कबला रहा, दर्द हो रहा है, टपक रहा है, दब दब नहीं हो रहा है उसका अंदर, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, मतलब ना दर्द हो टप टप वाइट वाला पानी आ जाने से ना दम 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 जैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके टपका की दर्द हो टपका थरे हां तो वही धक धक का हो गया। हां चल लड़का का बाल पूरा बाप रे, पूरा दिन भर एकदम कैसा बना के रखा है चेहरा, उनके चेहरा बाप। हाय बाय, हम लोग जा रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग का प्रेयर का एंजॉय आज इसी तरह था, थोड़ा थोड़ा सा इनकी मेहरबानी है कि पूरा ज्यादा नहीं हुआ है, और हम लोग का एक ग्रुप का फ्रेंडशिप का वीडियो आप लोग को कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करने के लिए मत भूलिए प्लीज, प्लीज कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगी आपके पास जाके पहुंच जाएगी, और साइड में जो बेल आइकन बटन है उसको दबा दीजिए। ओके बाय, हम लोग जा रहे हैं अभी के लिए, गुड नाइट, गुड नाइट। हाय फ्रेंड, आज देखते हैं मेरा फ्रेंड मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आई, और मैं देखी नहीं हूँ और क्या गिफ्ट ले आइए देखते हैं, और क्योंकि वो हमेशा के लिए मेरे वीडियो में आप देखेंगे, वो जो ग्रीन कलर का लॉन्ग ड्रेस डाली थी वही मेरा फ्रेंड है, वो हमेशा के लिए गांव जा रही है हम लोग को छोड़ के, और इसी के तरह से वो हमको एक कुछ गिफ्ट लेके आए न्यू ईयर का वजह से, और गिफ्ट अभी तक मैं ओपन करके नहीं लाई क्योंकि मेरे को गिफ्ट दी, गिफ्ट का कीमत जो जो भी है मेरे को पता नहीं, क्योंकि एक रुपया का होने से भी उसमें एक मिलियन का एक करोड़ों का प्यार है इसमें,
इसीलिए मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा फ्रेंड क्या के लिए मैं तो देखती हूँ साड़ी, जैसे लग रहा है साड़ी ही है, और देखते हैं कैसा साड़ी है। हाँ, ये एक साड़ी है, और क्या लेके आई, एक स्टिकर लेके आई बिंदी। और ये तो शादी हो जाने के बाद मतलब सुहाग के लिए लेके आते सिंदूर है, जो रीति रिवाज रहते जो, और एक सिंदूर का डिब्बा लेके आया है, और बिंदी, और देखो, और उसमें और एक क्या है, और इसमें और एक साड़ी है। इसको खोल के हम लोग देखते हैं साड़ी कैसा है। मेरे तो बहुत ऐसे ऊपर से बहुत लगे, इसका कैटलॉग भी दिया है। कैटलॉग में तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है कैटलॉग में। और साड़ी भी मेरे को बहुत पसंद आया, देखिए रेड कलर का साड़ी। क्योंकि मैं तो वीडियो बनाती हूँ ना, शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, रील्स बनाती हूँ और लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ, इसीलिए वो मतलब मैं वीडियो बनाती हूँ बोल के मेरे लिए साड़ी लेके आई है, रेड कलर का साड़ी। और इसको पहन के मैं वीडियो बनाऊँगी तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। साड़ी इतना मेरे को पसंद आया है, मैं क्या बोलूँ, मन तो करता है साड़ी को हमेशा करके रखूँ, मतलब कभी भी ख़राब होने के लिए मत दो। बहुत साड़ी मेरे को तो बहुत पसंद है, आप लोग को कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। ये तो साड़ी मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। और एक भी साड़ी लेके आई है, देखिए ये भी साड़ी मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा मेरे को, देखो मेरे को शायद बहुत अच्छा लगेगी पहनने का बाद में। इसमें जब भी वीडियो बनाऊँगी आप लोग देखेंगे, ये मेरा फ्रेंड दिया हुआ है, और इसका कैटलॉग देखिए, इसका भी कैटलॉग भी है, इसका कैटलॉग बहुत अच्छा लग रहा है, इतना लुक है ना बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ना मेरा फ्रेंड लेके आया, आपको पसंद आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और ये मेरे को बहुत इतना पसंद आया दोस्त, साड़ी इतना पसंद है, इतना पसंद है, मैं आपको क्या बताऊं, उसमें तो कितना प्यार है मेरे को ही पता है। आप लोग का फ्रेंड है तो आपका फ्रेंड रहे तो आपका बेस्ट फ्रेंड क्लोज फ्रेंड रहे तो आपको फ्रेंड का मतलब पता चलता है। मेरे तो ऐसे क्लोज फ्रेंड है, हम लोग चारों फ्रेंड है, लेकिन हमेशा क्लोज रहते हैं, कभी बिछड़ने के लिए नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करेंगे, भगवान का शायद ये नहीं है, मर्जी नहीं है हम लोग को एक ही साथ में रहने के लिए। वो हमेशा के लिए गाँव जा रही है, उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए गाँव में सेटल होने के लिए जा रही है, हम लोग को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है। इसी के तरह से वो हम लोग को क्या उल्ट, उनको वो जा रही है, हम लोग को उनको गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन वो हम लोग को कुछ गिफ्ट नहीं दिए, लेकिन वो उल्टा हम लोग को गिफ्ट दे के जा रही है। क्योंकि ये मेरे लिए स्मृति है, इसका कीमत मेरे लिए क्या है मेरे को ही पता है। आप लोगों का बेस्ट फ्रेंड क्लोज फ्रेंड कोई है तो आपको कुछ भी चीज़ आपको गिफ्ट दिया हुआ तो वो आपका गिफ्ट का मतलब आपको पता रहता होगा। और मेरे को तो गिफ्ट का मतलब मेरे को पता हो रहा है, और गिफ्ट का इसमें इतना प्यार है, और मेरा आंखों से आंसू आ रही है, क्योंकि हमेशा के लिए मेरा फ्रेंड मेरे को छोड़ के जा रही है, क्योंकि वो यूपी का, उत्तर प्रदेश का, हम उड़ीसा की हूँ, और हम दोनों का कभी मुलाकात तो हो नहीं सकता है। भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग को मिल सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज है हम कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन भगवान का मर्जी रहेगा तो हम लोग को एक दिन ना दिन हम लोग को मिलाएंगे। अब क्या बोलूं आपको, तो दिखा दी मेरा फ्रेंड कितना अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी ला के दी है। साड़ी का मतलब जो साड़ी का दाम देखना नहीं चाहिए, इसमें कितना प्यार है यही देखना चाहिए, वो तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोलूँ, मेरे को बोलने के लिए मेरा मुंह पे शब्द नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इतना खुश हूँ, और खुश का बदले से गिफ्ट ले के खुश हूँ, और उससे तीन गुना में दुखी हूँ, क्योंकि वो हमेशा के लिए मेरे को छोड़ के जा रही है।
आज न्यू ईयर है, हम लोग को हम चारों का मुलाकात हो गया, हम लोग एक ही साथ बैठे बात किए, बातचीत किए है, फिर भी हम लोग को 2-3 घंटा बातचीत किए, वो 2-3 घंटा हम लोग के लिए भी कम था। हम लोग को 2-3 दिन भी मिलेगा तो बात करने के लिए वो भी कम पड़ेगी। और हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड है, अपना का दुख हमेशा शेयर करते। हम लोग का मतलब कोई भी फ्रेंड को दुख होने से हमको भी दुख लगता है, हमको होने से उन लोग को दुख होता है। फ्रेंडशिप का मतलब यही है, एक ही साथ रहना, दुख शेयर करना, अपना दुख सुख सभी शेयर करना, हमेशा साथ देना, कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग को साथ देना है, ऐसे खुश हमेशा रहना है। और मन तो दुख है, खाली बोलता है खुश। हाँ वो तो सही बात है, मेरा मन दुख है लेकिन मेरे को बोलने के लिए नहीं हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। मेरा जो फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड को मेरा दुख तो बताऊँगी ना, मेरा दिल पे क्या बीत रही है, इसीलिए मैं आपको बोलने के लिए थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है, क्योंकि दिल का अंदर जो होता है ना, हो रहा है ना, वो मेरे को ही पता है दिल में क्या बीत रही है, लेकिन क्या करूँ, लेकिन फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप होता है। बहुत खुश हूँ ये गिफ्ट को लेके, ये गिफ्ट को तो हमेशा मैं पास ही रखूँगी। आज का वीडियो मेरे को आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में रहने वाला बटन को, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको जो वीडियो अपलोड करूँगी आपका पास जाके पहुँच जाएगी। बाय, इस अभी के लिए बाय। आप कुछ बोल दीजिए ना मेरा फ्रेंड, हैप्पी न्यू ईयर सबको। आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और उसका फ्रेंड है ऐसा, थोड़ा मन तो दुख है जा रहा है बोल के, फिर भी बोल रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और उसका जो चैनल है बॉबी रूरल लाइफ स्टाइल यूट्यूब चैनल है ना, उसको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, लाइक कीजिए, अच्छा लग रहा है तो। आपका सपोर्ट की वजह से वो आगे बढ़ सकता है, आपका बिना सपोर्ट में कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए प्लीज़ आप जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पास में थोड़ा बेल आइकन बटन को दबाइए, और बाद में जो वीडियो अपलोड करेगा सभी वीडियो आपके पास पेल पहुँच जाएगा। ओके, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर, बाय। ये 2023 आपका सभी अच्छा होने दो, आप खुश रहिए, मेरा तरफ से मेरे में आशीर्वाद दे, मेरा तरफ से भगवान का पास है, मैं प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आप हमेशा खुश रहिए, ये साल हमेशा हमेशा आपका जिंदगी में सुख ही है, सुख शांति खुशियाँ मिले, मेरा यही प्रार्थना है भगवान का पास, खुश रहिए, खुश रहिए, आपका फैमिली को खुश रखिए, आप सही सलामत रहिए, ये साल आपका खुद जिंदगी सही से बीते। मेरा क्रीम, बाय, गुड नाइट, और मेरा तरफ से मेरा बिग वाला सबसे बिग वाला हैप्पी न्यू ईयर।